الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. معزز سامعين وسامعات, पिछले दरस में हम लोग सरसरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल यानी बुनियादी तौर पर बेसिकली से लेकर के नबुवत तक सरसरी तौर पर हमने इआदा किया, रिवाइज किया। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से सबसे पहले हम ये मुतालबा करेंगे और खुद के लिए भी ये तौफीक अल्लाह ताला से मांगेंगे कि अल्लाह ताला कहने वाले में और सुनने वालों में दोनों में खास नसीब फरमाए और हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। हम लोग जो पिछले दरस में पढ़े थे गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना और पहली दफे हजरत जिब्रील का आना आपके पास, आपको दबोचना और पहली वही का नुजूल आप पर उतरना, फिर उसके बाद आप अपनी ज़ौजे मुतहरा माई खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जाना, फिर उसमें एक तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे आने वाली हालात का जायजा लेते हुए आगे के हालात का जिक्र करना, यहां तक पढ़े थे हम लोग। उसके बाद ये मरहला होने के बाद कुछ दिनों के लिए वही रुक गई थी, फिर एक दफे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के पास गए। जब आप बाहर आए तो ऊपर से आपको आवाज आई, तो जैसे ही आपने अपना सर उठा करके देखा तो क्या देखा कि आसमान से लेकर के जमीन तक, उस जमीन पर एक कुर्सी है, एक कुर्सी पर वही आदमी बैठा हुआ है जिसको आपने पहली दफा गार में देखा। यहां पर उलमा लिखते हैं कि सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा आपको अपनी असली शक्ल असली सूरत में देखा। जैसे ही आप देखे तो फौरी तौर पर आप अपने घर गए, घर जाकर के कहा दस्तिरूनी जमिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। आप चादर ओढ़ लिए, ओढ़ने के बाद आप पर ये वही नाजिल हुई। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहली वही, इसमें आपकी नबूवत का वाज़ह तौर पर इशारा इसमें मिल गया। हाज़रीन, ये मरातिबुद दावा, दावत के मरातिब में उलामा इकराम ने पांच हिस्सों में तकसीम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां तालीम दी गई थी कि आप अपनी इस दावत को खुफिया रखा जाए, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। यहां खुफिया तौर पर आप अपनी दावत भी देते रहें और अपने रब की किबरियाई भी बयान करते रहें, अपने रब की बड़ाई भी बयान करते रहें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस दावत को, इस्लाम की दावत को आप खुफिया रखे। जैसे ही आपको हुक्म नाजिल हुआ तो सबसे पहले मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अबू बकर आपके दोस्त, आपके हमराह, आपके हमसफर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, खवातीन में आपके ज़ौजे मुतहरा, बच्चों में हजरत अली, गुलामों में जैद, फिर बच्चियों में आपकी बेटियों ने इस्लाम कबूल किया। तो मेरे हाल ये चुनिंदा कुछ अफराद थे, उसके अलावा कुछ गुलाम, कुछ लौंडिया इस्लाम कबूल की थी और मुआशरे के तबके के सबसे कमजोर लोग जो इस्लाम कबूल किए थे, अब अपनी इस दावत को बहुत खुफिया रखे थे और इस्लाम का जो उस वक्त का
सबसे पहला सेंटर हजरत अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर था, जिन्हें हम दारुल अरकम कहा जाता है। 3 साल तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीयत की गई थी कि आपको इस दावत यानी इस इस्लाम की दावत, ये तौहीद की दावत अपने अंदर रहना है, और खुफिया तौर पर जो लोगों आप पर, आपको जिन लोगों पर भरोसा है कि ये हमारी इस दावत से एक्सेप्ट करेंगे कबूल करने की, जिस पर आपको उम्मीद है उसी दायरे में आप इस्लाम की दावत देते रहना। तो बहरहाल मामला ये हुआ कि खुफिया तौर पर दावत दी गई, यही पहला मरहला, पहला मरतबा है दावत का। फिर धीरे धीरे 3 साल होने के बाद, अब देखिए इन 3 सालों में कुफारे कुरैश को मालूम था कि आप पर वही नाजिल हो रही है, मगर कुफारे कुरैश ने कभी भी आपको तकलीफ नहीं दी, कभी भी आपको जो है मारा नहीं, कभी भी आपको पीटा नहीं, कभी भी आपको मजनून नहीं कहा, कभी भी आपको साहिर नहीं कहा, उसके बावजूद भी आप अमीन से मुलक्कब किए जा रहे थे। मालूम था उनको कि ये नबूवत का दावा कर रहे हैं, इन्हें खुफिया तौर पर वही आ रही है, मालूम था, एक इल्म था, मगर क्यों नहीं किया? इसकी वजह ये थी क्योंकि फारे कुरैश को जब उनके माबूदाने बातिला के खिलाफ जब कहा गया तो उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दूसरा हुक्म, दूसरा मरतबा 3 साल के बाद नबूवत के 4वें साल आपको ऑर्डर आया, वो अंजिर आशीरतक अल अक्रबीन, हाँ अब अपने करीबी रिश्तेदारों में इस्लाम की दावत फैलाओ। तो जैसे ही यह हुक्म हुआ तो आप हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजे, आपके रिश्तेदारों में, आपके चचाओं में तमाम को मदऊ किया गया, दावत का इंतजाम किया गया, फिर आपने अपने रिश्तेदार समझाया, फिर उसके बाद आपने इस दावत को और बुलंद किया, ऐलानिया तौर पर आपने दावत दी, फौरी तौर पर आप कोहे सफा पर खड़े हो गए, खड़े होकर के आपने इस्लाम का ऐलान किया, तौहीद का ऐलान किया और शिर्क से बेजारी का ऐलान किया। जैसे ही ये ऐलान हुआ तो वहां सबसे पहले जबान दराज करने वाला अबू लहब था, तो उसने जबान दराज की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ता कियामत उसको, उस शख्स को मलऊन करार दे दिया गया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, बर्बादी हो अबू लहब पर, तो कियामत तक उसके लिए ये वाला मामला आ गया कि बदुआएं उसको कियामत तक दी जा रही है। बहरहाल अब जैसे ही ये दावत ऐलानिया तौर पर हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देना शुरू हुए, मसाइल पेश आए, तो अल्लाह ताला तीसरा मरहला दिया, फस्दा बिमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकीन, अब तुम्हें जो हुक्म दिया जा रहा है तुम उसको करो, मुशरिकों से एराज कर लो, नजरअंदाज करो। ये कब है ये मरहला? तीसरा मरहला है। तो ये दूसरा मरहला अंजिर आशीरतक अल अक्रबीन जो कोहे सफा पर हुआ, यहां दावत देने के बाद तरह तरह की महाद आराई यानी फिक्री यलगारें, जहनी अटैक कि कैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए इस दावत से, तो तरह तरह की कोशिशें, तरह तरह के चालें जो है कुफारे कुरैश की तरफ से रची गई। सबसे पहले खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस इस्लाम का दावा शुरू किए, इस इस्लाम को इस्लाम की तरफ बुलाना शुरू किए, खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके जहन पर अटैक किया गया, उन फिक्री अलगारें डाली गई। क्या हुआ कि आपको मजनून कहा गया, आपको साहिर कहा गया, आपको हकारत के अंदाज से देखा गया, आपका इस्तेहजा, आपका मजाक उड़ाया गया। आप जब भी कहीं जाते, इस्लाम की दावत देते तो फौरी तौर पर कहते थे ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये तो दीवाना है, आप इनकी बात मत मानो। قل يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون يا أيها الذين نزل عليه الذكر قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون। जिस पर कुरान उतरने का दावा कर रहे ना ये तो दरअसल क्या है, पागल आदमी है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां जहां आपको पागल कहा गया, दीवाना कहा गया, साहिर कहा गया, बराबर आप इसका जवाब दे रहे थे, रद कर रहे थे,
वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगीला, ना ही हमने उसको शेर शायरी सिखाई और ना ही इसके लिए मुनासिब है। वमा अंत बिनिअमति रब्बिका, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तो अपने रब की नेमत से मजनून नहीं है, पागल नहीं है, तो साहिर नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है बराबर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रद कर रहे थे। जब ये अपने इस काम में नाकाम हुए तो अलल फौर दूसरी फिक्री अलगार, दूसरी सूरत इन्होंने अपनाई, वो क्या थी कि वो लोग इस इस्लाम में, इस दीन में शुकूक व शुबहात पैदा करना शुरू कर दिए। शुकूक व शुबहात डालना, जिस तरह से आज लोग करते हैं इस्लाम पर शुकूक व शुबहात डाले जाते हैं इस्लाम पर तरह तरह के, इस्लाम में औरत को जो है सही माने में तालीम नहीं दी जाती वगैरह, इस तरह के शुकूक व शुबहात डाले जाते हैं। तो वैसे ही शुकूक व शुबहात डाले गए। सबसे पहले क्या गया, गया असातीरुल अव्वलीन उत्तबहा फहियतुमला अलैहि बुकरतुम व असीला। अरे ये जो कुरान की बातें कर रहा है ये सब पहलों के अफसाने हैं, ये सब क्या हैं, पहलों के अफसाने हैं जो सुबह शाम जो है आप उसको लिखते हैं पढ़ा जाता है, ये तो सब अफसाने हैं। फिर इसी तरह इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु व अअनहु अलैहि क़ौमुन आखरून, इसी तरह इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, इसी तरह मा लिहाज़ा अर्रसूल याकुलु अत्तआम व यमशी फिल अस्वाक, के ये रसूल को क्या हो गया, ये तो इंसानों की तरह है, खाता है पीता है बाजारों में घूमता है। तो तरह तरह के शुबहात, तरह तरह के शुकूक जो है इस्लाम में डाले गए, इस्लाम के मुतालिक डाले गए, जिसकी वजह से कई लोग इस्लाम लाने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए ये शुकूक व शुबहात रुकावट बन गए। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है इसका बराबर रद्द करते रहे, कुरानी आयात उसके रद्द में नाजिल होते गई। जब ये लोग इसमें भी नाकाम हो रहे थे तो तीसरा जो तरीका अपनाया उन्होंने वो तरीका ये था कि मुख्तलिफ कबीलों से नाचने वालियों को, गाने वालियों को ये लोग बुला करके महफिलें गरमाना शुरू किए, रातों में शराब मुफ्त करके नाचने वालियों को, गाने वालियों को बुला करके महफिलें जमाई गई ताकि नौजवान सब उसमें मुलविस हो जाए, गानों में शराबों में मुलविस हो जाए, मसरूफ हो जाए और कोई कुरान सुनने के लिए ना जाए, कुरान के करीब भी ना जाए, ऐसी जो है इन्होंने सोच रची और उसको अमली जामा पहनाया। तो नौजवान क्या करते, शराब में मसरूफ हो जाते, महफिलों में मसरूफ हो जाते, नाचने वालियों को देखने में मसरूफ हो जाते, जिसका जिक्र सूरह कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया था वमिनन नासी मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह, लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस खरीदते हैं, यानी म्यूजिक मौसीकी खरीदते हैं, खरीद करके अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और उसमें सर फहरिस्त नजर बिन हारिस था, मशहूर व मारूफ था वो आदमी जो लौंडियों को, नाचने वालियों को, गाने वालियों को ला करके महफिलें गरमाना शुरू किया। जब ये लोग इसमें भी नाकाम हो रहे थे, तो फौरी तौर पर उन्होंने चौथी चाल, चौथा तरीका जो उन्होंने लच लिया वो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो लोग छोटे मोटे इस्लाम कबूल किए थे, माशरे के कमजोर तबके के लोग, गुलाम लौंडियां जो इस्लाम कबूल किए थे, उन तमाम को तकलीफें देना, मारना, तरह तरह की तकलीफें देना शुरू हो गया। उसमें सब सर फहरिस्त हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ते हैं हम लोग, सुनते हैं बयानात वगैरह में, आले यासिर खानदान यासिर को सुनते हैं पढ़ते हैं, जनीरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू फुकैहा, इस तरह से उम्मे फुकैहा, बेशुमार अहबाब को हम पढ़ते हैं कि इन लोगों को कैसे कैसे तकलीफें दी गई, कैसे कैसे जुल्म रचाया गया। तो ये कुछ मुख्तसर से तकरीबन ये समझिए एक तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के तकरीबन 5 साल तक मामला, 3 साल तक तो खुफिया दावत रही, खुफिया दावत के बाद एलानिया दावत शुरू हुई, तो 2 साल तक, तकरीबन 2.5 साल तक मुसलमानों को तकलीफें दी गई, मुसलमानों को सताया गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इजाजत से जब तकलीफें ज्यादा हो रही थी तो अल्लाह ताला की इजाजत से
अल्लाह ताला हुक्म दिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर आप सल्लम हिजरत हबशा हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। याद रखें हबशा एक मुल्क था जिसे समंदर का सफर तय करके जहाजों में तय करके जाना पड़ता था। तो तकरीबन तारीख में सीरत में ये दो मरतबा हिजरत का वाकया मजकूर है। पहली मरतबा तादाद में इसको मुफस्सल में पढ़ाया हूं, आप लोग उसको देख सकते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और जो लोग हाजिर थे उन्हें अच्छे से मालूम है, मुफस्सल अंदाज में पढ़े थे कि 12 लोग थे, 19 लोग थे, 17 लोग थे, तो नामों के साथ मैं तकरीबन आपके सामने जिक्र किया था। तो मेरे हाल हबशा को खास तौर से इख्तियार करने के अहम सब असबाब थे, उसमें से एक जो है ये हबशा के और मक्के के तिजारती ताल्लुकात मजबूत थे, एक तो वजह ये थी। तो लिहाजा इन्हीं ताल्लुकात के बेस पर हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया। नंबर दो, हबशा का जो बादशाह था, हबशा नजाशी, नजाशी असल बादशाह नहीं, बादशाह का नाम नहीं है, नजाशी जो है बादशाह को कहा जाता है वहां के हबशा में, अजहमा इनका नाम था। तो ये जो है बहुत नर्म दिल था और बहुत इंसाफ पसंद था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो हबशा को इख्तियार करने की एक अहम वजह ये थी कि बहुत नर्म मिजाज का आदमी था, इसीलिए हबशा को इख्तियार किया गया। तीसरी एक अहम वजह यह भी थी कि हबशा खास तौर से बहुत ही अमन पसंद मुल्क था, वहां जो भी जाता तिजारत की गर्ज से हो तो बहुत ही सेफ वापस आता था, कोई डाका जनी कोई लूटमारी हबशा के अंदर नहीं होती थी, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा का इख्तियार किया। तो बहरहाल वहां पर 15 या 16 या 17 या 19 तक की तादाद है, जब हिजरत के लिए गए मुसलमान हिजरत के लिए गए तो फौरी तौर पर गलत अफवाह फैल गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया है, गलत खबर फैल गई जिसकी वजह से ये लोग वापस आ गए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि जब आए क्लियर हुआ मामला, फिर तकरीबन 83 लोग या 84 लोग, 82 लोग, 86 लोग, तकरीबन 86 तक, 86 की तक की तादाद जो है मजकूर है, दूसरी मरतबा हिजरत की गई, 86 अहबाब 86 मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत करके गए थे। अब उनकी वापसी का मामला जो है मुख्तलिफ मरहलों में वापस आए, कुछ उसी वक्त आए, कुछ लोग हिजरत के वक्त आ गए, कई लोग जो है 8 हिजरी, कई लोग जो है फतेह मक्का के बाद आए, ये सब जो है इंशाअल्लाह आप लोग आगे पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह ताला। उसके बाद दूसरी मरतबा जब हिजरत करने के बाद ये लोग पीछे ही कुफार कुरैश गए थे, तो हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु की मशहूर मारूफ तकरीर भी थी, तो फौरी तौर पर उसी वक्त नजाशी बादशाह जो है खुफिया तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफर बिन अबी तालिब के पास लेटर देकर भेज दिए थे, तो वो इस्लाम कबूल कर लिया था, उसी वक्त अपने इस्लाम को छुपा करके रखा था। बहरहाल बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि नजाशी बादशाह कब इस्लाम कबूल किया, सन 8 हिजरी में इस्लाम कबूल किया था, फतेह मक्का के वक्त इस्लाम कबूल किए थे, या फिर जो है उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिए थे, तो उसमें राजह और सही जो मालूम होता है वो जाफर बिन अबू तालिब के वक्त ही इस्लाम कबूल कर लिए थे, अपने इस्लाम को छुपा करके रखा था, खुफिया तौर पर रखा था। ये बात हमने मुफस्सल उस दर्स में पढ़ी थी हबशा के हिजरत के दर्स में। बहरहाल अब फिर यहां पर जो है मामला और संगीनी और बढ़ते गई, मुसलमानों को तकलीफें और होती गई और होती गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि इस्लाम के लिए एक ताकत की बहुत सख्त जरूरत थी, तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश और तमन्ना के मुताबिक हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल किए और अलल एलान उन्होंने इस्लाम कबूल किया, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम के बाद एक तरह से कुव्वत एक तरह से ताकत जो है मुसलमानों को आ गई थी। फिर उसके बाद ये कुफ्फार कुरैश कई एतराजात कर रहे थे आपकी नबुव्वत पर, एक मरतबा तो ये सब लोग आकर के आपके चचा अबू तालिब के पास आकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए कहा था, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दावत से नहीं रुके, तकरीबन 3 मरतबा से 4 मरतबा जो है ये लोग अबू तालिब के पास आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी दावत को, अपनी दावत को, इस्लाम की दावत को रोक लें। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चाचा को भी राजी कर लिया था, चाचा को मालूम था कि ये दावत हक है, बरहक है, मगर चाचा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। जब तक अबू तालिब थे तो एक तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बैकग्राउंड पावर, बैक पावर और एक ताकत थी, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का, कत्ल करने का नहीं सोचता था। तो मेरे हाल कुफारे कुरैश एतराजात के उसमें से एक एतराज ये भी किए कि अगर वाकई आप नबी हैं, सच्चे नबी हैं, तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाइए। तो बहरहाल अल्लाह ताला के हुक्म से शक्के कमर, जी शक्के कमर, चांद का टुकड़े होना, ये वाकिया पेश आया। इसको भी मैं बड़े मुफस्सल अंदाज में पढ़ाया हुआ हूं और इस पर कई एतराजात किए गए, इन एतराजात के जवाबात भी जो है दिए गए हैं। ये एक मुआजजा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी की खसूसियात ये हैं कि पिछले अंबिया को जो भी मुआजजे दिए गए थे, प्रैक्टिकली मुआजजा दिया गया, यानी अमली मुआजजा दिया गया, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मी और अमली दोनों मुआजजे दिए गए। इल्मी मुआजजा क्या है? कुरान करीम खुद एक मुआजजा था, कुरान करीम एक चैलेंज था, कुरान करीम की फसाहत, बलागत, तो इस एतबार से कुरान जो नाजिल किया गया ये एक इल्मी मुआजजा हो गया कि आप एक उम्मी नबी होते हुए आपने तालीम दी लोगों को। दूसरा अमली मुआजजा, जैसे वाकिया कमर आना, दीगर सफरों में बरकतें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआ किए थे तो बहरहाल चंद एक पहले से हजारों लोग, सौों लोग जो है मुस्तफिद हुए। ये सब बेशुमार ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजजात हैं। खुद आप उसके ताल्लुक से एक किताब है मुआजजात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसका मुताला कर सकते हैं। तकरीबन 100 के करीब मुआजजात, 100 मुआजजात जो है जिक्र किए गए हैं। तो मेरे कहे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला एक ऐसा मुआजजा दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो चांद के दो टुकड़े नजर आ गए, हत्ता के श्रीलंका तक मुख्तलिफ दुनिया में जो है उस वक्त ये चांद के फटने को, चांद के अलग होने को देखा गया था। चूंकि उस वक्त वसाइल के जराए नहीं थे तो बहरहाल तारीखों से ये बात हमें वाजे हुई है कि बिल्कुल जो है ये वाकिया पेश आया था, चांद के दो टुकड़े हो गए थे। उसके बावजूद भी कुफार कुरैश में दरअसल जो है एतराज करना मकसूद था, इस्लाम कबूल करना नहीं था, मगर इस मुआजजे के बाद कई लोग इस्लाम में दाखिल हुए। जब देख रहे थे मामला जो है, कई सूरतें मैंने बताई ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट करना काम नहीं हो रहा था, फिर जो है इस्लाम पर शुकू को शुभात डालना काम नहीं बन रहा था, फिर नाचने वाली गाने वालों की महफिलें गर्म करना काम, इस्लाम की दावत और बढ़ रही थी, फिर जुल्म व सितम करना इस्लाम की दावत और बढ़ रही थी, लोग और इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, एतराजात करना, वाकियात मुआजजों का जाहिर होना, इस्लाम में लोग और बढ़ रहे थे। तो आखिरकार जब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि खानदानी तौर पर बनू हाशिम, बनू अब्दुल मुत्तलिब से थे, तो लिहाजा आपको खानदानी पावर बहुत ज्यादा है, बैकग्राउंड पावर ज्यादा है, तो लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के, चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, सबका बाइकॉट करवाया गया। हम लोग लॉकडाउन में बहुत परेशान हो गए थे, अभी जो है 3 महीने 4 महीने लॉकडाउन आया था, बहुत परेशान हो गए, माली एतबार से बिजनेस पे लॉस हुआ, परेशान हो गए, जहनी तौर पर घर में रह कर के परेशान हो गए थे हम लोग, इसी तरह से बाहर नहीं निकल सकते थे। थोड़ा आप कंपेयर करें, शुएबे अबी तालिब के नाम से मशहूर है, शुएबे अबी तालिब, अबू तालिब की घाटी में, अब यहां शुएबे अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान वालों को बाइकॉट करवाया गया, कितना खतरनाक था, कंपेयर कीजिए। नंबर एक, सबसे पहले वो जो बाइकॉट था जुल्म व सितम और असबियत की बेस पर था। यहां जो लॉकडाउन हुआ इंडिया के अंदर, पूरों के लिए, सिर्फ खास किसी एक तबके के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए बाइकॉट है, गैर मुस्लिम के लिए नहीं, वैसा नहीं था मामला, पूरों के लिए हुआ। तो हर कोई क्या है, तसल्ली कर ले सकता है कि चलो वहां भी बाइकॉट हुआ, यहां भी बाइकॉट हुआ, सबका मामला ऐसा ही है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ खानदान वालों को बाइकॉट किया गया,
असबियत की बुनियाद पर, जुल्म और सितम की बुनियाद पर था वो बैकाट। तो अब सोचिए, हमारे लिए बैकाट हो, लॉकडाउन हो, दूसरों के लिए लॉकडाउन ना हो, तो हम लोग सोचेंगे कि उनके लिए कैसा है, हमारे लिए असबियत हो रही है, मगर कितनी तकलीफ हुई होगी। नंबर दो, रिश्ते मुनाकहत, यानी शादी का लेन देन, उनके रिश्ते से कोई शादी नहीं करेगा, ना लड़की लेगा ना लड़की देगा, बड़ा मसला है। नंबर तीन, पनाह कोई नहीं दे सकता। चलो भाई, खानदान को बैकट किए, कोई गया पनाह दे दिया, कुछ जो है हेल्प कर दिया, मेरे घर पे आ जाइए, वहां आ जाइए, यहां आ जाइए, कोई दूसरा कबीला बुला लिया, आप हमारे कबीले में आ जाइए, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने वाले लोग बुला करके लेके गए, कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, हम सेफ देंगे। किसी को इजाजत नहीं थी। और तो और, बेसिकली हम लोग तो कम से कम जो है यहाँ पर राशन मिल रहा था खाने के लिए, बेसिक चीजें, फ्रूट्स मिल रहे थे, बेसिक वेजिटेबल्स मिल रहे थे, बेसिक राशन जो है घर से, जिसका खाने पीने के लिए सब चीजें हमें दस्तियाब थी। मगर उस वक्त खाने पीने की चीजें भी, उन्हें बेचना भी मना था। अल्लाहु अकबर। दूसरा जो है मामला, एक जेल की तरह मामला था, हमदर्दी की इजाजत ही नहीं थी। तो इतनी मशाकिल, इतनी मुश्किलों में, जिसका जिक्र यह आता है कि रिवायत में आता है, यहां तक कि ये तक जिक्र आता है, साहिब रसूल बयान करते हैं कि एक मतलब रात में मैं गया इस्तिंजा के लिए, भूख की शिद्दत इतनी थी कि अब वहां की दीवारों में बच्चों की रोने की आवाजें आती थी, बच्चों की रोने की आवाजें आती थी, अल्लाहु अकबर, भूख की वजह से। एक मरतबा मैं इस्तिंजा के लिए गया तो मुझे ऊंट का चमड़ा, गर्मी में सूख जाता है, सख्त हो जाता है, वो चमड़ा मुझे मिल गया। मैं उसको तकरीबन कई दिन तक पानी में भिगो करके खाया उसको, अल्लाह अकबर। पत्ते पत्ते खा रहे थे लोग, अबू तालिब के खानदान के लोग पत्ते खा रहे थे, पत्तियां, झाड़ की पत्तियां खा रहे थे, हत्ता के उनका इस्तिंजा जिस तरह बकरियां, जानवर इस्तिंजा करते हैं, वैसा इस्तिंजा हो रहा था, अल्लाह अकबर। ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो लिहाजा ये, मैं खासतौर से लॉकडाउन हुआ इसलिए मैं इस चीज को कंपेयर किया, हम लोग उस बायकॉट को और इस लॉकडाउन को अगर हम सामने रखेंगे तो हम जो है एक तसल्ली मिल जाएगी, हमें जो है एक चीज, एक हिम्मत अफजाई ये मिलेगी कि ऐसे बायकॉट में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत से नहीं रुका, आप लोगों को बराबर इस्लाम की दावत देते थे, आप लोगों को बराबर इस्लाम की तरफ खींचते थे, और बाकायदा तौर पर लोग इस्लाम कबूल भी कर रहे थे उस वक्त, इस्लाम कबूल कर रहे थे लोग उस वक्त। तो हमें चाहिए कि मामला कैसा भी हो, मुश्किलात का सामना कैसा भी करना पड़े, मगर इस्लाम की दावत को हमें जारी रखना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग जो है ये इसके जरिए से, वीडियो कॉलिंग के जरिए से दुरूस का सिलसिला जारी रखे थे, अल्लाह उन्हें साबित कदम रखे, अल्लाह उनकी दावत को कबूल फरमाए। कई उलमा जो है बाकायदा तौर पर वीडियो कॉलिंग के जरिए से, जूम के जरिए से, दीगर के जरिए से बराबर जो है अपने दुरूस जारी रखे थे, लोगों को दावत का काम कर रहे थे, अल्लाह ताला इस दावत को कबूल फरमाए। तो मेरे हाल ये जो मामला आया, बायकॉट का मामला आया, उसके बाद फिर तकरीबन नबूवत के तीन साल तक बायकॉट किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, रिवायत में आता है। नबूवत के 10वें साल जैसे ही बायकॉट से बाहर आए, बायकॉट से बाहर आने के 6 माह के बाद, एक आधे साल के बाद अबू तालिब की वफात हो गई। तो एक तरह से रीढ़ की हड्डी इस्लाम की टूट गई, क्योंकि अबू तालिब एक बैकग्राउंड फॉलोअर थे, मैं बताया था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई। फिर और कुछ ही माह बाद, कुछ दिनों बाद, आपकी एक माह तकरीबन मैक्सिमम जिक्र आता है एक माह, आपकी ज़ौजाए मुतहरा, आपकी पहली बीवी माई खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। एक तरह से माली ताकत थी माई खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा, माल के एतबार से बड़ी ताजिरा थी, आपके पास ज्यादा माल थे, गुलाम थे,
तो इस्लाम के लिए वो अपना माल खर्च कर रही थी, इस्लाम के लिए वो अपना माल खर्च कर रही थी। तो एक तरह से जिन्हें अल्लाह के रसूल सल्लम अपना गम सुना करके अपना बोझ हल्का कर रहे थे, वो ज़ौजा मुतहरा भी वफात पा गई। तो इसी को कहा जाता है गम का साल, इसी को कहा जाता है गम का साल। और ये गम में इजाफा और कैसे हुआ, अब जब यहां पर अबू तालिब की वफात हो गई, माई खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा की वफात हो गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जानलेवा हमला शुरू हो गए। कोई चादर लेकर के दबोचना शुरू किया आपको, तरह तरह के जानलेवा हमले शुरू हो गए आप पर। कोई तलवार लेकर के निकला, बच गए, मामला रोक दिया गया। इस तरह के जानलेवे हमले आप पर शुरू हो गए। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां पर इस्लाम की दावत का तीसरा मरहला, फस्दा बिमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकिन, अभी हम मुशरिकों को छोड़ो, कुफार मक्का कब तक इनको दावत देते रहेंगे, अब चलो मक्के के अतराफ व अकनाफ लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू करो। जैसे ही आपको ऑर्डर आया ताइफ का सफर, यही है मशहूर ताइफ का सफर, आप ताइफ के लिए गए, तकरीबन 85 किलोमीटर पैदल हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ आप गए ताइफ। ताइफ को खास तौर से टारगेट करने की वजह क्या थी, देखिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया अला रजुलिन मिनल करियतैन अज़ीम, दो ताकतवर करिए, दो ताकतवर कौमों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया है। तो इसकी तफसीर में जिक्र आता है एक ताइफ बनू सकीफ, जंगे ताइफ हुनैन की जंग इन्हीं लोगों के साथ हुई थी, इसमें अहले ताइफ भी थे हुनैन की जंग में, तो कैसे तीरंदाज थे और बड़े ताकतवर थे सकीफ वाले लोग। अगर मक्के के मद्दे मुकाबल खिलाफ में अगर खड़ सकते थे तो ये बनू सकीफ ही थे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लम बनू सकीफ का इख्तियार किया, ताइफ का इख्तियार किया। देखिए बड़ी हिकमत थी आपकी इस दावत में, ताइफ को इख्तियार करने की एक अहम वजह यही थी कि अब बैकग्राउंड पावर अबू तालिब चले गए, चचा चले गए, जिन्होंने आपकी जिम्मेदारी ली थी पैदाइश वगैरह की, आपको पालने परोसने की, जब ये चले गए तो एक ताकत की जरूरत थी इस्लाम के लिए कुफार कुरैश के मुकाबले में, तो इसलिए आपने ताइफ का इख्तियार किया था। एक ये थी, और दूसरी जो है ताइफ के और कुफार कुरैश के बाहमी ताल्लुकात थे, एक ज़राअत के एतबार से, ज़राअत के एतबार से ताइफ के अंदर अंगूर और अनार बहुत ज्यादा उगता था, तो चूंकि अंगूर में शराब बनी जाती थी तो वहां से शराब बन करके मक्के को आता था। दूसरा चमड़ों को दबागत देना, ये तजारत भी बहुत ज्यादा मशहूर थी। इसी तरह सनात के एतबार से वो लोग लोहार थे, लोहों की लोहार यानी लोहों के जरिए से चीजें बनाना। इसी तरह जानवर भी बहुत ज्यादा थे, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ का इख्तियार किया। मगर नतीजा क्या हुआ कि ताइफ, आप ताइफ जाने के बाद आपका मक्के के अंदर वापस आना मुश्किल हो गया था। एक तो ताइफ वाले आपके साथ जो सलूक किया, आपको पत्थर फेंक करके जख्मी कर दिया आपको, तो अब मक्के के अंदर वापस आए तो आपके लिए जानलेवा हमला था, खतरा था। तो मुतइम बिन आदी आपके हलीफ बन गए, और फौरी तौर पर मुतइम बिन आदी ने आपके निगरानी के तौर पर अपने बच्चों को आपके लिए रवाना कर दिया। फिर मुतइम बिन आदी के हलीफ बनकर के अल्लाह के रसूल सल्लम मक्के के अंदर दाखिल हुए थे। मुतइम बिन आदी, यही उन्हीं की फजीलत में कहा अल्लाह के रसूल सल्लम ने, फजीलत यानी ये जो एहसान मुतइम बिन आदी का है, उस एहसान को याद करते हुए अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा बदर के मौके पर, के बदर में जब कैदी आए तो कहा था कि अगर मुतइम बिन आदी होते और सिफारिश करते बदर के कैदियों के लिए तो मैं रिहा कर देता था, क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक एहसान किया था कि मक्के के लोग मुझे मक्के के अंदर दाखिला नहीं ले रहे थे, मेरी जान लेने पर तुले थे, तो मुतइम बिन आदी जो है मेरे निगरान बन गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनू सकीफ लोग थे,
जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ठुकराया और पत्थर से जख्मी करके भेज दिया। मशहूर व मारूफ है अहले सितम के पत्थर खा के गुल बरसाने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी होकर के बैठे थे, उस वाकया कई बार सुने। फरिश्ता आया, पूछा कि अल्लाह के रसूल अगर आप इजाजत दे तो दबोच दूं, क्योंकि ताइफ जो है बिल्कुल वादी की तरह शहर था, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, अगर कुचेल दिया जाए तो पूरी बस्ती के लोग कुचले जाते थे। वहां के अवबाशों ने जो आपके साथ सुलूक किया, पत्थर मार करके आपको जख्मी कर दिया था। फिर आप ताइफ से वापस आए, बड़े गमगीन हो गए थे आप। एक तो सबसे बड़ा जख्म चचा की वफात, फिर दूसरा जख्म बीवी की वफात, फिर तीसरा जख्म ये अहले ताइफ आपके साथ बहुत बुरा सुलूक किए थे। तो यहां पर ताइफ का मामला खत्म हुआ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीगर कबीलों में इस्लाम की दावत देना शुरू कर दिए। उसमें से कबीले औस आपके पास आया था, आकर के कबीले औस के सरदार तुफैल बिन आम्र दोस्ती वगैरह सब आकर के आपके पास गुजारिश किए कि आप हमारे शहर को आ जाइए, औस को हम आपको हर तरह से जो है हिफाजत करेंगे। मगर चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत नहीं किए औस की तरफ, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत अल्लाह ताला की तरफ से नहीं मिली थी। बनू हनीफा के लोग कई लोग इस्लाम कबूल किए थे। इसी तरह आमिर बिन सासा के कबीले के लोग भी इस्लाम कबूल किए थे। तो दीगर अतराफ व अकनाफ के कबीले के कुछ कुछ लोग इस्लाम की दावत पर लब्बैक कह चुके थे। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस दावत को बराबर जो है जारी वो सारी रखा। कबीलों में आपकी दावत पहले तो इनफरादी तौर पर फर्दन फर्दन होती थी, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला होने के बाद कबीला दर कबीला जो है आपकी दावत हो गई। इसके बाद ये जख्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने के बाद तीन तीन जख्मे अल्लाह ताला आपकी तसल्ली के लिए मेराज करवाई, इसरा व मेराज। इसरा व मेराज तकरीबन हमारे पास टाइम है, चलिए 15 मिनट है। मैं अब तक जो भी सीरत के दरसें जो इससे पहले पढ़ाया हूं, तकरीबन सबसे लंबा दर्स चलने वाला यही टॉपिक है इसरा और मेराज का हमारा। इसको मैं इंशाअल्लाह शॉर्ट करके बयान करूंगा, जिसको तफसील चाहिए वो इंशाअल्लाह वीडियो में देख सकते हैं बिस्मिल्लाह ताला। इसरा और मेराज ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसरा, इसरा क्या है? मक्के से लेकर के बैतुल मक़द्दस तक, ये इसरा है। मेराज बैतुल मक़द्दस से लेकर के सातवें आसमान तक, ये मेराज है। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लम को इसरा और मेराज करवाने की वजह क्या थी? ये अल्लाह के रसूल सल्लम पीछे दर पीछे ये जो गम आ रहा था, ताकि आपका गम हल्का हो जाए, एक ये भी बताते हैं। दूसरी चीज, ताकि जो है आप मक्का छोड़कर के जाएं मदीना जाकर के इस्लामी हुकूमत कायम करें, ये भी एक वजह थी। तीसरी वजह, ये इसरा और मेराज से यहूदियों को एक तरह से, यहूदी और ईसाई अपने आप को बहुत मजहब वाले मानते थे, पुख्ते मजहब वाले मानते थे, उन्हें एक तरह से इशारा उसमें मिल जाए कि अभी जो है इस्लाम की दावत जो है वर्ल्ड लेवल में फैलने वाली है हिजरत के बाद, तो लिहाजा ये यहूदियत नसरानियत सब खत्म होने वाली है। इसलिए जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा और मेराज कराने का एक मकसद था। बहरहाल ये मकासिद बेशुमार थे। तकरीबन महीना और बिज़्ज़ब तारीख के बारे में इख्तिलाफ है, अलबत्ता इसके ताल्लुक से ये कब पेश आई? हिजरत से एक साल पहले पेश आई। इसमें राजह बात क्या कहेंगे हम, इसरा और मेराज कौन से महीने में आई अल्लाहु आलम, क्या तारीख थी अल्लाहु आलम। ये शबे मेराज मनाते हैं 15 तारीख को, कोई बिज़्ज़ब तारीख जो है मुअर्रिखीन में खुद इख्तिलाफ है कि 15 शाबान ही को हुई, कब हुई अल्लाहु आलम। शबे मेराज मनाते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये है कि साल के एतबार से हिजरत से एक साल कबल, एक साल पहले जो है ये पेश आई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी और रूहानी तौर पर आपको इसरा और मेराज कराई गई। इसके ताल्लुक से भी मैं आपके सामने तफसील से बताया हूं। जो लोग कहते हैं कि रूहानी में हुआ, ख्वाब में हुआ, कई लोग कहते हैं, उसके एतराजात, उनके दलीलों के जवाबात सब तफसील से
मैं दे चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे हाल सबसे पहले कैसे हुई थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास आराम फरमा थे, फरिश्ते आए, डिस्कस किया कि कौन है, उसमें से कहा कि यही है, आपका सीना चिरा गया, शक्के सदर की गई आपकी, यहां भी दलील से मालूम होता है, आबे जमजम से धुला गया, फिर जो है बुराक में सवार करके आपको ले जाया गया, आप बैतुल मकदिस पहुंचे, बुराक को बांध दिए, बांधने के बाद वहां पर आपके पास दूध और शराब को पेश किया गया, आपने दूध का इख्तियार किया, फिर आपने आइमा की यानी अंबिया की आपने इमामत की, इसीलिए कहा जाता है सैयदुल अंबिया, अंबिया के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जो है आप वहां इमामत करने के बाद हजरत जिब्रील लेकर के डायरेक्ट मेराज हुई आपकी। कई लोग यहां पर यह भी एतराज करते हैं कि फिर बुराक पर बैठ करके उड़े, नहीं, बुराक का मामला वहां पर क्लियर हो गया, फिर उसके आगे जो है बुराक का जिक्र नहीं है। फिर मैं दरमियान में जो है बैतुल मकदस की तारीख सब मुफसल आप लोगों को पढ़ाया हुआ हूं, बुराक के ताल्लुक से भी जिक्र किया हूं, इसी तरह जो है दूध को इख्तियार करने की वजह क्या है, दूध के ताल्लुक से ही तकरीबन हमारा एक दर्स हुआ था। उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सफर यहां से शुरू हुआ, यहां से यहां तक इसरा हुई, यानी काबतुल्लाह से लेकर के बैतुल मकदस तक इसरा का मामला हुआ, मेराज का मामला बैतुल मकदस से शुरू हुआ। पहले आसमान पर गए, खटखटाया गया, वहां से फरिश्ते पूछे कौन है, कहा जिब्रील है, पूछा गया आपके साथ कौन है, कहा कि मोहम्मद है, फिर कहा कि मोहम्मद को ही आने की इजाजत है, आसमान का दरवाजा खुला गया, ऐसे मालूम हुआ कि आसमान के दरवाजे होते हैं, वहां पर निगरान होते हैं, किसी और को वहां पर अंदर जाने की इजाजत नहीं होती, उसके लिए भी फरिश्ते मुकर्रर हैं। तो बहरहाल जैसे ही गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम किया गया, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, वो बैठे हुए थे दाएं जानिब, आपके दाएं जानिब कुछ लोग रूहें थी हंस रही थी, बाएं जानिब रूहें जो है रो रही थी, ये सब जो है मैं तफसील से पढ़ाया हूँ। आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सलाम पयाम हुआ, फिर जो है दूसरे आसमान पर गए, वहां पर हजरत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर इसी तरह तीसरे आसमान पर गए, सेम जिस तरह पहले आसमान में मामला हुआ वैसा ही मामला, तीसरे आसमान पर गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, फिर चौथे आसमान पर गए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई आपकी, फिर पांचवें आसमान पर गए तो हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई पांचवें आसमान पर। कुछ लोग कहते हैं कि पांचवें पर सिर्फ हारून से हुई, छठे पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मगर यह है कि वहां पर हारून और मूसा अलैहिस्सलाम से दोनों से मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद छठे आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल से हमारी शक्ल मिलती है, मेरे औलाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मिलती है, ये भी हदीस से वारिद है। उसके बाद फिर बैतुल मामूर, बैतुल मामूर क्या है उसके ताल्लुक से तफसील से हमने पढ़ा था, यानी आसमान का काबा ये कह सकते हैं हम, बैतुल मामूर को क्या कह सकते हैं, आसमान का काबा, जहां पर हजारों फरिश्ते एक मरतबा दाखिल होते हैं उसमें इबादत करते हैं, तो फिर जो है दूसरी मर्तबा उन्हें उनकी बारी नहीं आती। फिर चार नहरों के बारे में पढ़ा हमने, उसके बाद फिर सिदरतुल मुंतहा इसके ताल्लुक से पढ़ा हमने, फिर उसके बाद अल्लाह ताला की रुयत, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा या नहीं देखा, इसके ताल्लुक से हमने पढ़ा। उसमें सबसे सही बात अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा, इसकी तकरीबन मैं 60 7 से 8 दलीलें या 9 10 के करीब जो है
دلیلیں میں نے پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, کیونکہ قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار, نظریں جو ہے اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, ہاں صرف جو ہے اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں, رسول کو بھیجتے ہیں, پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ جو ہے دیکھ کر کے بات نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تمنا کی مگر دیکھ نہیں پائے, صرف اللہ تعالیٰ سے بات ہوئی, آواز سنائی دی. اسی طرح سے دلیل ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. ایسے بے شمار دلیلیں ہیں جو ہمیں یہ واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. کسی انسان نے اللہ تعالی کو نہیں دیکھا, قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالی کی رویت نصیب ہوگی. اس کو ہم نے پڑھا تھا. اس کے بعد پھر یہاں نمازیں فرض ہوئی, پانچ نمازیں فرض ہوئی. اب یہ طریقہ بھی کیا ہے, 50 فرض ہوئی تھی, پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, 500 فرض ہوئی تھی, ہوتے 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 پانچ پر جو ہے کاٹا کھڑا. پھر اللہ رب العزت یہاں پر کہہ دیا اب یہاں پر اس سے کم جو ہے چانس ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی. جنت کے اندر آپ نے کوثر کو دیکھا, حوض کوثر کو دیکھا اور کوثر کو دیکھا. میں یہ چیز بھی آپ کو مفصل پڑھایا ہوں, حوض الگ ہے کوثر الگ ہے, اس کو بھی مفصل میں آپ کو پڑھایا ہوں. پھر جو ہے جنت میں کئی چیزیں آپ نے دیکھی تھی, فرعون کی بیٹی کی لونڈی, اس کی آواز بھی آپ نے, یہ بھی مفصل ہم نے جنت کی رویت کے تعلق سے جنت کے دیدار کے سلسلے میں آپ نے یہ بھی آواز یہ آہٹ آپ نے سنی تھی. اسی طرح جہنم کا منظر بھی آپ نے دیکھا, جہنم میں آپ نے کیا کیا دیکھا, عذاب ہوتے ہوئے دیکھا, کئی خطیبوں کو دیکھا آپ نے, کئی خطیبوں کو آپ نے دیکھا کہ ان خطیبوں کو ہوٹ جو ہے کاٹے جا رہے تھے. جب پوچھا گیا کون ہیں یہ لوگ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے مگر جو ہے عمل نہیں کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ تعالی ایسے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے, اللہ تعالی اخلاص عطا فرمائے علماء کے اندر. پھر جنت اور جہنم کے دیدار کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. واپس آنے کے بعد آپ نے جیسے ہی خبر سنائی کئی لوگ تکذیب بھی کیے اور کئی لوگ جو ہے اسلام میں داخل بھی ہوئے. کئی دلیلیں اس کے تعلق سے دیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک قافلہ جو ہے تجارت کا قافلہ مکہ آ رہا تھا, آپ نے پورا ہو بہو ذکر کیا ان قافلے کی صفت, تو کئی لوگ جو ہے اس کی تصدیق کر کے اسلام بھی قبول کیے اور کچھ لوگ جو نئے اسلام قبول کیے تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد. اس کے بعد بیعت عقبہ الاولى, بیعت عقبہ الثانیہ. بیعت عقبہ الثانیہ مدینے سے حج کے موقع پر کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, اوس و خزرج کے لوگ. سب سے پہلے 6 افراد آئے تھے, اسلام قبول کر کے چلے گئے تھے. پھر اس کے بعد کئی افراد, 18 کی تعداد کا بھی ذکر ہے, یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر کے انہوں نے بیعت کی. بیعت کی کیا؟ بیعت کی کہ ہم آپ کی حفاظت ہر طرح سے کریں گے. تقریباً 70 افراد اسلام قبول کیے تھے اس وقت عقبہ کے پاس. عقبہ جہاں پر کنکری مارتے ہیں ہم لوگ, اس کو عقبہ کہتے ہیں, عقبہ اولی, عقبہ ثانیہ, عقبہ ثالثہ. تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہم آپ کی ہر طرح سے حفاظت کریں گے, آپ لہٰذا مدینہ آ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسلمانوں کو بھیجنے کی اجازت دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اجازت نہیں ملی, اس کو بھی ہم لوگ بہت ہی تفصیل سے پڑھے ہوئے. پھر ہجرت کیسے شروع ہوئی اور یہ خزرج اوس یہ قبیلے کیا ہیں, ان کی تفصیلات. پھر مدینے کے حالات, مدینے کی تاریخ, مدینے کی پیداوار, مدینے کی سرزمین, مدینے میں کتنے دین تھے, ان تمام چیزوں کو ہم لوگ جو ہے مفصل پڑھے ہیں. آپ لوگ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, کتاب میں بھی موجود ہے یا پھر ویڈیو اگر سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ویڈیو میں بھی موجود ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی. ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد
आप हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के साथ हिजरत के लिए गए और 3 दिन तक गार में रुके। इख्तियार रास्ता इख्तियार करने के लिए बड़े प्लान से रास्ता इख्तियार किया गया। फिर जो है जैसे ही आप रास्ते में निकले, अपनी दावत को, इस्लाम की दावत को आप बराबर जारी वो सारी रखा, यहाँ तक के आप मदीना पहुंच गए। बहुत ही मुख्तसर बयान कर रहा हूँ मैं, दरअसल मैं चाह रहा हूँ कि आज ही इसको खत्म कर दिया जाए, वरना अगर रिवाइज किया जाए तो हिजरत के लिए कम से कम रिविजन का 1 घंटा चाहिए और इसरा व मेराज के लिए 1 घंटा चाहिए। ये 5 मिनट है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर किसी को यहाँ तक किसी के पास कुछ सवाल हो तो इंशाअल्लाह अज़ीज वो अपने सवाल बिज़्निल्लाह ताला पूछ सकते हैं। हम लोग तफसील से यहाँ तक हिजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचने तक तफसील से हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई सवाल आया है? मेरे 2 सवाल हैं। नज्जाशी बादशाह का नाम मैं यहां उर्दू में लिख रहा हूं, अज़हमा अलीफ ज़ाद हा मीम हा। जी आपका ये अज़हमा दरअसल नजाशी कहते हैं, वो उनकी वहां की जबान में हबशा की जबान में नजाशी कहते हैं बादशाह को, जिसे फिरौन फिरौन असल नाम नहीं था, बल्कि फिरौन क्या है बादशाह, उस वक्त जो मिस्र का बादशाह होता था उसको फिरौन कहा जाता था। वैसे ही नजाश इसके अंदर हबशा के अंदर जो भी बादशाह होता था उसको जो है नजाशी कहा जाता था। आपका एक दूसरा सवाल है उम्मे फुकैहा। देखिए सहाबी रसूल हैं अबू फुकैहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल है, ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, तकरीबन बिलाल 1 अबू फुकैहा 2 उनकी बीवी फिर यसार, ये 4 लोग तकरीबन सफवान बिन उमैया के गुलाम थे। यसार, अबू फुकैहा, उम्मे फुकैहा और बिलाल, तो उसमें उम्मे फुकैहा के मुतालिक मुअर्रिखीन जिक्र करते हैं, तारीख निगार, फुकैहा अबू फुकैहा, फुकैहा के बाप उम्मे फुकैहा, तारीख निगार जिक्र करते हैं कि उमैया बिन खल्फ, सफवान बिन उमैया, माजरत, सफवान बिन उमैया इतना मारे यहां तक कि इनका दम घुट गया। उसमें जो है मियां बीवी को इतना मारे कि उम्मे फुकैहा का दम घुट गया और अबू फुकैहा भी बेहोश हो गए, ऐसे लगा कि वो वफात पा गए, फिर थोड़ी देर के बाद अबू फुकैहा को होश आ गया। इतना मुख्तसर तारीख में आया है इनके ताल्लुक से। और किसी के पास कोई सवाल? मसला हल हो गया ना आपके? वही आक। अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी के बाद कोई सवाल? इंशाल्लाह उल अजीज मदीने में कैसे इस्लामी हुकूमत कायम हुई अगले हफ्ते से हम लोग मुफस्सल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जैसे पहले पढ़ते थे वैसे मुफस्सल पढ़ेंगे। जिस किसी के भी सवालात वगैरह हो इंशाल्लाह उल अजीज वो तफसील से सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह।
कोई और सवाल आया है इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकुम अल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। हमारा वक्त हो चुका है, अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को, इल्म हासिल करने को कबूल फरमाए। आमीन बोल सकते हैं इंशाल्लाह। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर या शेख। सलाम अलैकुम। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैकुम।